हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों वीके ओरी टी आर जैन की बुक में, स्टैटिस्टिक्स की बुक में एक चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो उस कलेक्शन ऑफ डेटा की पूरी एक्सरसाइज हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये एक्सरसाइज है और ये जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा, मैं यहां लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये उसकी एक्सरसाइज है। कलेक्शन ऑफ डेटा जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है। ये वीके ओहरी बुक है स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की बुक है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, डेटा कलेक्ट हुआ है फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इसका आंसर है उसे प्राइमरी डेटा बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है सोर्स ऑफ ओरिजिन से। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर कंटेन्ड इन द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन एंड नेशनल इनकम एस्टिमेशन फॉर द गवर्नमेंट। तो जब सेंसस ऑफ पॉपुलेशन होती है या नेशनल इनकम का एस्टिमेशन होता है, तो देखिए सेंसस आप समझ जाओ जनगणना, यानी कि पूरे देश में लोग कितने, इसकी काउंटिंग, तो भैया प्राइमरी डेटा ही होता है, प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट किया जाता है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या है, कौन सा मेथड है सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने का? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नहीं भाई ये तो प्राइमरी है। डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, नहीं ये भी नहीं है भाई, हालांकि यहां इनडायरेक्ट होना चाहिए, आई ना इन आना चाहिए इनडायरेक्ट। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर, नहीं ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर होगा, नन ऑफ दीज। चलिए जी आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन फोर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। एक मेरिट है गुड क्वेश्चनेयर की, अच्छा क्वेश्चनेयर, मेरिट मतलब अच्छा क्वेश्चनेयर, गुण, एक अच्छे क्वेश्चनेयर के क्या क्या मेरिट है? तो भाई हमेशा उसके अंदर लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विद द रिस्पॉन्डेंट। अगर रिस्पॉन्डेंट से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे? तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये भी होता है भाई, ये भी होता है, इंडायरेक्ट ओरल आगे ना, ये इंडायरेक्ट ओरल, ये देखो यहां लिखा हुआ है मैंने इनडायरेक्ट, ये इंडायरेक्ट ओरल होता है, ये भी है, तीनों ही है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी इसका आंसर होगा। ओके, फिर कह रहा है, इन ऑर्डर टू, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, इन ऑर्डर टू नो द लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ द लिसनर ऑफ द प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट बाय द हिमाचल आकाशवाणी, द लेटर इज कीन टू कलेक्ट डेटा, विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा विल बी सुटेबल फॉर इट। तो भैया आकाशवाणी जो है एक रेडियो वाला माध्यम है, रेडियो है, रेडियो से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो भैया आपको फोन करना पड़ेगा डायरेक्ट उन लोगों से, उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में पूछना पड़ेगा, तो इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन लगेगा। ये मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन लगेगा इसके अंदर। ओके, शेड्यूल्ड आर फिल्ड बाय, शेड्यूल को फिल कौन करता है? शेड्यूल जो बनाते हैं उसको, शेड्यूल का मतलब क्वेश्चनेयर है, यहां पे शेड्यूल जो है ये क्वेश्चनेयर यहां बोला गया है, क्वेश्चनेयर को बोला गया है शेड्यूल, इसको इन्यूमरेटर फिल्ड करता है भाई। इन्यूमरेटर ज्यादा घर घर जाता है, यही घर घर जाता है, टिंग टोंग बजाता है, अपनी बेइज्जती करवाता है और शेड्यूल को फिल करके लेके आता है। ठीक है जी, हो गया ये क्वेश्चन नंबर। अब देखिए मैच द करेक्ट स्टेटमेंट आ गया है, मैचिंग द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को मैच करना है। ठीक है, तो कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दिया, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, करेक्ट पेयर को चूज करना है। कह रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन, नहीं जी ये गलत है। सेकेंडरी डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा, नहीं जी ये नहीं होता, उल्टा बोल दिया, इसका आंसर ये होना था, इसका आंसर ये होना था, उल्टा बोल दिया। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, करेक्ट डेटा टू हैव लेस डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कह रहा है कलेक्टेड डेटा हैव अ लेस डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, नहीं भाई बिल्कुल गलत कह रहा है, हाई डिग्री होती है। इन्यूमरेटर मेथड, अ क्वेश्चनेयर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, ये सही है बेटा। तो इन्यूमरेटर मेथड यूज होता है
जब हमें क्वेश्चन को प्रिपेयर करना होता है तो क्वेश्चनेयर को प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चनेयर का मतलब स्केड्यूल, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया है, स्केड्यूल भी बोलते हैं इसको। तो ये आंसर होगा डी, डी का 4 आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव इन द कॉलम सेकेंड बाय मैचिंग देम विद रिस्पेक्टिव आइटम इन कॉलम 1। तो देखो अब मैच करना है भाई, क्या करना है, मैच करना है। तो मैच करने के लिए क्या करेंगे, देखो प्राइमरी डेटा कलेक्टेड फॉर द कलेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो ए है इसका आंसर होगा 3, ए का 3 होगा। मेल्ड क्वेश्चनेयर सर्वे, मेलिंग क्वेश्चनेयर सर्वे, इसके अंदर क्वेश्चनेयर आर मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट, इसका डी होगा, मतलब लास्ट होगा 4th। सेकेंडरी डेटा, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो सी है इसका होगा 1st, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होगा आपका 2nd। ठीक है, तो देखो किससे मिल रहा है ये, फर्स्ट का 3rd है, फर्स्ट का 3rd इसी में आ रहा है, बी का 4 भी इसी के अंदर आ रहा है, सी का 1st भी इसी के अंदर है, तो इस आंसर होगा बी। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं हम आगे। ये आगे बेटा रीजन अजर्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, रीजन अजर्शन वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर कर देता हूं। कह रहा है प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल, ये बात तो बिल्कुल सही है, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें सही है, इसका मतलब सी और डी तो नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि इसमें तो एक फॉल्स दिया हुआ है, लेकिन दोनों बातें सही है। अब यहां बिकॉज लगा के देखते हैं। चलो तो प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, मतलब फॉर फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, तो दोनों बातें बिल्कुल सही साबित होगी। इसका आंसर होगा ए, ए इसका आंसर होगा ए। फिर देखो बी कह रहा है इन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डेटा, सही कह रहा है भाई, इन्यूमरेटर हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर की, हेल्प करता है इन्यूमरेटर डेटा कलेक्ट करने में। इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन हु आंसर द सेट ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन द क्वेश्चनेयर, ये गलत है भाई, इन्वेस्टिगेटर आंसर नहीं करता, रिस्पॉन्डेंट आंसर करता है, रिस्पॉन्डेंट करता है आंसर, रिस्पॉन्डेंट, यहां रिस्पॉन्डेंट होना चाहिए था, तो ये गलत है। तो आर गलत है, रीजन गलत किसमें आ रहा है, रीजन गलत आ रहा है सी में, तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर सी होगा, रीजन गलत है, अजर्शन सही है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव कह रहा है, अब ये देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, ये मेरा हाथ भी आ गया यहां पे, मैं फोटो खींच रहा था तब, इसको इग्नोर कर देना। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट वैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, तो बात सही कह रहा है भाई, प्राइमरी डेटा जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका स्पेसिफिक गोल होता है, इसलिए प्राइमरी डेटा के अंदर हम फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन कंपेरिजन टू प्राइमरी डेटा, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, सेकेंडरी डेटा में तो कॉस्ट थोड़ी होता है, वो तो बहुत सिंपल सा होता है, बहुत सस्ता हो जाता है, लेस कॉस्टली होता है, लेस कॉस्ट लगती है, टाइम भी कम लगता है इसमें तो, सेकेंडरी डेटा में, तो ये गलत कह रहा है बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है, ये रहा आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी सी। अब देखिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं, कह रहा है स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन 2 में स्टेटमेंट 1 कह रहा है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सही बात है जी, ट्रेड एसोसिएशन जो पब्लिकेशन निकालती है वो पब्लिश सोर्स ऑफ डेटा होता है, बिल्कुल सही बात। फिर कह रहे हैं इन्यूमरेटर मेथड इज अ मेथड यूज्ड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में इन्यूमरेटर मेथड होता है, मेल्ड क्वेश्चनेयर बोलते हैं इसको, सॉरी क्वेश्चनेयर मेथड, जिसमें इन्यूमरेटर घर घर जाता है, क्वेश्चनेयर से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चनेयर को भरता है, अपने मालिक के पास, इन्वेस्टिगेटर के पास ले आता है, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए बेटा ये भी हो गया हमारा, अब चलते हैं आगे। अब ये केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आ गए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन हैं ये, फिर से मेरा हाथ आ गया, इसको फिर से आप इग्नोर करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आप करेंगे इसके अंदर, तो इस पूरे केस स्टडी को यहां से लेके यहां तक आप पढ़ेंगे,
ये कहां से, एनसीईआरटी के 23-24 से लिया गया है, पूरा इसको रीड करोगे और उसके बाद आपको आंसर देने हैं। तो हम आप रीड कर लेना आराम से, वीडियो पॉज करके हम आंसर करते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, ए आंसर होगा, ठीक है, इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है डैश डू नॉट ऑफर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, डू नॉट ऑफर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेटिस्टिकल स्टडी अंडर कंसिडरेशन। डू नॉट ऑफर फर्स्ट हैंड मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो भाई वो होती है आपकी सेकेंडरी डेटा होता है आपका, जिसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, सेकेंडरी डेटा लिखेंगे यहां, सेकेंडरी डेटा। अब देखो थर्ड करें, थर्ड करते हैं, थर्ड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का कौन कौन सा मेथड है, इन्यूमिनेटर मेथड है, हाँ भाई ये भी है, टेलीफोनिक भी है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज इज द आंसर, ठीक है, सारे इसके हैं। क्वेश्चन फोर्थ हो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेंसस रिपोर्ट तो नहीं है भाई, सेंस अच्छा हाँ सेंसस रिपोर्ट से हम डेटा ले रहे हैं, यस ये है, सेंसस रिपोर्ट से हम डेटा ले रहे हैं, अखबार से हम डेटा ले रहे हैं, न्यूज़पेपर से हम डेटा ले रहे हैं, या जर्नल का मतलब मैगजीन वगैरह लिख लो आप, चलो मैगजीन लिख लो, ठीक है, ये मैगजीन ले गया बेटा, मिटा दो इसको, थोड़ा सही से लिख दूं, चलो थोड़ा सही से लिख देते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, सेकेंडरी डेटा इन तीनों जगह से लिया जाता है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर से ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है इंटरव्यू मेथड इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, बिल्कुल सही कह रहा है, शेड्यूल इज जनरली फिल्ड बाय रिसर्चर, ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बात बिल्कुल अच्छा, यहां पे रिसर्चर जो है ना, इस रिसर्चर का मतलब है इन्यूमरेटर, दोनों बातें सही है, तो आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आंसर होगा इसका ए, ये रहा आंसर इसका ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, इन्वेस्टिगेटर वो व्यक्ति होता है जो इन्वेस्टिगेशन करवाता है, ये लिखा है इसका आंसर, नीचे भी लिखा है, पर द पर्सन हु द पर्सन और एजेंसी हु कंडक्ट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, सिंपल उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेटर, ठीक है जी, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। अब फिर से देखिए ये क्वेश्चन, ये आपको एक केस स्टडी दी हुई है, ये केस स्टडी दी हुई है आपको, इस केस स्टडी को यहां से लेके यहां तक आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है, ये कहां से ली गई, सोर्स कहां से ली गई, ये इंटरनेशनल स्टेटिस्टिकल रिव्यू 2005 का डेटा है, तो वहां की एक आपको केस स्टडी दी हुई है, इसको रीड कर लेना बेटा, वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लेना। आप देखो इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कैसे क्या पूछा गया है, ये देखिए फिर से मेरा हाथ आ गया, इसको आप इग्नोर करेंगे, कह रहा है व्हाइल फॉर्मिंग द क्वेश्चनेयर विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी इंक्लूडेड, क्वेश्चनेयर बनाते वक्त, क्वेश्चनेयर को स्केड्यूल भी बोलते हैं, पहले भी बताया था इसी क्वेश्चन में आया था, तो सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछने हैं आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने हैं आपको, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछने हैं और ओपन क्वेश्चन पूछने हैं आपको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो कोई भी आप लिख सकते हो, कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो। फिर कह रहा है स्टेट सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन की क्वालिटी बताओ, तो भाई लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन लिमिटेड नंबर के होते हैं, सिंप्लिसिटी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, कोई ऐसे अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं होते जो नहीं पूछने चाहिए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, तो इसमें कोई भी क्वालिटीज आप लिख सकते हो, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिंप्लिसिटी, नो पर्सनल क्वेश्चन, नो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, नो कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ये सब इसके अंदर आता है। चलिए अब देखिए ये आ गया डेटा पिक्चर, ये भी बेटा ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, डेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, देखिए
देखिए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद कौन सा मेथड आता है, फिर मेल्ड क्वेश्चनियर सर्वे वाला और इन्यूमिनेटर मेथड। तो इस चार ऑप्शन में से बताना भाई वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो ये आएगा ए, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ये देखिए, ये आपको ए दिया हुआ है और ये आपको बी दिया हुआ है। अब इसमें बताना क्या है, अच्छा बताना है वो नीचे लिखा हुआ है, तो पहले मैं तो आपको नीचे दिखा देता हूं। ये बताना है कि ब्लैंक ए और ब्लैंक बी में जो डायग्राम दिया वो किसको दिखाते हैं, स्टैंड फॉर किसको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो इस ए में दिया हुआ है, देखो स्टैटिस्टिकल मेथड, सर्वे, पोल्स, इंटरव्यू, ये चारों जो पॉइंट हैं ये पॉइंट हैं आपके प्राइमरी डेटा के, प्राइमरी डेटा के पॉइंट है सारे के सारे। और जो बी में दिया हुआ है, रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, मिशन, ये सब के सब जो है वो सेकेंडरी डेटा है। मिशन का मतलब कमिटी और कमीशन, कमिटी और कमीशन, तो ये सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल हैं, सेकेंडरी डेटा। तो ए प्राइमरी डेटा, बी सेकेंडरी डेटा, तो देखो लगा देंगे इसमें निशान, इसमें बता देंगे हम, तो इसका आंसर होगा बी, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है जी, ओके। अब देखिए ये आपका फिर से एक पिक्चर वाला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है ये भाई साहब टेलीफोन से बात कर रहे हैं, तो टेलीफोन एक इंटरव्यू है और पर्सनल इंटरव्यू है, खुद पर्सनली जाके हम जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं पर्सनली। तो कह रहे हैं एनालाइज द अबव इमेज एंड स्टेट द टाइप ऑफ डेटा प्राइमरी सेकेंडरी दे हेल्प इन कलेक्टिंग, ऑल्सो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो भैया ये प्राइमरी डेटा है, ये प्राइमरी डेटा है, क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू दोनों के दोनों प्राइमरी डेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, और इनका मेन डिफरेंस ये नीचे लिखा हुआ है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी में ये आप कर सकते हैं अपने आप ही। ठीक है, चलिए बेटा जी, तो ये हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके काम की ये वीडियो थी, आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके किसी दोस्त को ये वीडियो काम आ सकती है या रिश्तेदार को काम आ सकती है, तो कृपया करके उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।